Good morning, everybody. The point today that I have selected to teach you is the use of tenses while using the language. जहाँ तक बात tenses की है, हम इसे कई सारे तरीके से सीखते हैं. But जब हम लैंग्वेज को बोलने के लिए टेंसेस का यूज करते हैं, तो उसे एक सिंपल भाषा में ऐसे समझा जा सकता है कि दुनिया में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं, सारी की सारी भाषाएं तीन ही तरीके के टेंसेस को फॉलो करती हैं, और वो तीन तरीके के टेंस हम इंग्लिश में बड़े मतलब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग भी हैव बीन लर्निंग. लेकिन कहाँ हमें अभी तक प्रॉब्लम है, क्यों हम इन्हें समझ नहीं पाते, या अगर हम समझते भी हैं तो क्या जो हम समझते हैं वेदर इट इज़ राइट और नॉट, इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे. और टेंस समझने के लिए एक चीज़ आपको बड़े बेहतर तरीके से समझनी पड़ेगी कि टेंस जो हैं उनका ये जो आप इस जिन्हें आप इंडेफिनेट कंटीन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, और देयर आफ्टर उनको अंडरस्टूड करने का आपका खुद का अपना एक तरीका है. तो उसको समझने के लिए जो एक पर्टिकुलर पॉइंट है कि वेदर वी स्पीक हिंदी और वी स्पीक इंग्लिश और वी स्पीक उर्दू और वी स्पीक व्हाटएवर लैंग्वेज दैट इज स्पोकन इन द वर्ल्ड दैट मीन्स और इवन द डायलेक्ट वट एवर वी स्पीक, सेंटेंसेस के तीन बेसिस के हिसाब से टेंसेस को तीन डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है. और ये जो तीन जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिन्हें क्लासीफाई किया गया है, वो तीन कैटेगरीज हैं इंडेफिनिट कंटीन्यूअस एंड परफेक्ट. जब कभी भी हम सेंटेंस और इसके बाद इसकी जो चीज़ें हैं कि हर चीज़ का मतलब वेन एवर यू स्पीक समथिंग, वो सारी की सारी बातें तीन तरीके की चीज़ों में तीन तरीके की टाइमिंग में बोली जाएंगी. वो टाइमिंग है आपकी प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर. आप कुछ भी बोलें, कुछ भी बोलें आप. जैसे सपोज इफ आई हैव टू से कि आज सुबह मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो ये तो सेंटेंस हमने बोल दिया, इम्प्रॉपर लैंग्वेज बोल दिया. अब जब हमने इस सेंटेंस को यूज किया तो ये किसी ना किसी टेंस में जरूर जाएगा. अब ये किस टेंस में जाएगा, ये इंडेफिनिट होगा, ये कंटीन्यूअस होगा, ये परफेक्ट होगा, ये प्रेजेंट होगा, ये पास्ट होगा, ये फ्यूचर होगा, दैट अल्टीमेटली डिपेंड्स अपॉन कि हम उसे कैसे समझें. सी, मैंने आज ब्रेकफास्ट नहीं किया है, हर लैंग्वेज में टाइमिंग इंडिकेट करने वाले कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं. वो टाइमिंग इंडिकेट करने वाले वर्ड्स, जैसे हम हिंदी स्क्रिप्ट की जब बात करते हैं, हिंदी लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं, दैट इज रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, तो हिंदी लैंग्वेज में टाइमिंग आइडेंटिफाई करने का जो सिंगल सोर्स है हमारे पास, दैट इज अ सिंगल वर्ड दैट वी यूज इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस. आज मैंने नाश्ता नहीं किया है, सो दैट है विल डिफाइन एवरीथिंग कि ये टाइमिंग इसकी पास्ट है. सपोज इफ आई वॉन्टेड टू मेक द सेंटेंस इन पास्ट पर्टिकुलर सॉइल से कि मैंने नाश्ता नहीं किया था, सो दैट था है मैं नाश्ता नहीं करूँगा. दिस पर्टिकुलर सेंटेंस विल इंडिकेट द टाइमिंग ऑफ फ्यूचर. और सारी की सारी टाइमिंग्स को अंडरस्टूड करने का सेंटेंस में जो आप बोलते हो, जो आप सुनते हो, उस टाइमिंग को अंडरस्टूड करने का इससे इसके अलावा कोई और सोर्स नहीं है. अब हम कैसे टेंसेस को आइडेंटिफाई करें, कि हम कैसे सबसे पहले हम टाइमिंग को आइडेंटिफाई करें कि वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, तो इंग्लिश में जैसे हम हिंदी में बड़े आसानी से टाइमिंग को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इंग्लिश में भी इसी तरीके से टाइमिंग को आइडेंटिफाई करना ईजी है. अब हाउ वी कैन आइडेंटिफाई, यहाँ हिंदी में वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द टाइमिंग ऑफ द सेंटेंस विद द यूज ऑफ द वर्ड इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस. इन इंग्लिश द सेम वर्क इज डन विद द यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब. इन माई कमिंग वीडियो आई विल टेल यू द यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब. बट टुडे हमारा जो काम है वो ये है कि हम इंडेफिनिट कंटीन्यूअस और परफेक्ट के बारे में आपको बताएं. और एक और वेराइटी आपने पढ़ी होगी परफेक्ट कंटीन्यूअस की, वो यहाँ क्यों नहीं आपने लिखी, वो हम आपको अभी थोड़ी देर में इंडिकेट करते हैं कि वो इन्हीं में से एक है. तो जब कभी भी व्हेनेवर अ सेंटेंस इज स्पोकन और उस सेंटेंस के हिसाब से उसको इंडेफिनिट कंटीन्यूअस और परफेक्ट में कैटेगराइज किया जाता है, कैसे हम किसी सेंटेंस को इंडेफिनिट कैटेगराइज करें, कब हम किसी सेंटेंस को कंटीन्यूअस कैटेगराइज करें, कब हम किसी सेंटेंस को परफेक्ट कैटेगराइज करें, इट अल्टीमेटली डिपेंड्स अपॉन द वर्ब दैट इज डन इन द सेंटेंस. वो जो वर्ब, वो जो काम हो रहा है सेंटेंस में, लाइक हमने आज नाश्ता नहीं किया है, तो जो काम हुआ ना इसमें, जो वर्ब हमने की, जो क्रिया हमने करी ना, किया है, करना, खाना, तो वो डिफाइन करे कि आपकी कि आपका सेंटेंस इंडेफिनिट है, कंटीन्यूअस है या परफेक्ट है. आसानी से समझने के लिए हम एक सेंटेंस को और जस्ट एक सेंटेंस को लाइक इस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है.
अगर ये सेंटेंस कंप्लीट है तो ये किसी ना किसी टेंस में, टेंस से बिलोंग जरूर करेगा। अब ये किस टेंस से बिलोंग करता है, टेंस से बिलोंग करने से पहले आप इसकी टाइमिंग और जांच लें। तो इसकी टाइमिंग जांचने के लिए जस्ट सी द, सिंस आई हैव स्पोकन द सेंटेंस इन हिंदी, तो एंड इन हिंदी द टाइमिंग ऑफ द सेंटेंस कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द वर्ड दैट इज यूज इन द लास्ट। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो हूँ विल इंडिकेट कि आपका टाइमिंग प्रेजेंट है, और इसके अलावा वाकई में टाइमिंग को आइडेंटिफाई करने का और कोई सोर्स नहीं है। दिस इज द थिंग दैट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग कि हमारे सेंटेंस की टाइमिंग क्या है। अनदर पार्ट, अब हम इसे इन तीन कैटेगरीज में कैटेगराइज करने की कोशिश करते हैं कि आपका सेंटेंस इंडेफिनेट है, कंटिन्यूस है या परफेक्ट है। तो कब आपका सेंटेंस इंडेफिनेट है, कब आपका सेंटेंस कंटिन्यूस है, कब आपका सेंटेंस परफेक्ट है, ये अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि उस सेंटेंस में वर्ब किस तरीके से बिहेव कर रही है। इंडेफिनेट का मतलब होता है आपका वर्ब रूटीन और हैबिट इंडिकेट कर रहा है। कंटिन्यूस का मतलब होता है कि आपका जो वर्ब है, जो भी वर्ब हो रही है सेंटेंस में, दैट इज गोइंग ऑन, वो चल रहा है। और कंटिन्यूस का मतलब, परफेक्ट का मतलब होता है आपका काम खत्म। तो आपको अब सेंटेंस की वर्ब से ये समझने की कोशिश करना है कि जिस सेंटेंस की आप, जिस वर्ब, जो वर्ब आपने सेंटेंस में अपने यूज करी, वो वर्ब या तो खत्म हो गई है, या वो चल रही है, या वो रूटीन या हैबिट इंडिकेट कर रही है। लाइक मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो चूंकि अभी मैं इस काम को कर रहा हूँ, तो ये वर्ब आपकी कंटिन्यूस कैटेगराइज की जाएगी। मैंने वीडियो बना लिया है, काम खत्म। अगर वीडियो बना लिया है और काम खत्म हो गया, तो वो खत्म होने पे वो वर्ब आपका परफेक्शन इंडिकेट करेगा। तो ये दो आपको समझ में आ गए होंगे, कंटिन्यूस मीन्स जब आपकी वर्ब कंसिस्टेंटली चल रही हो, परफेक्ट मतलब जब आपकी वर्ब सेंटेंस में खत्म हो गई हो। एक और बात यहाँ हम बता दें आपको कि सेंटेंस की नेगेटिविटी, उसकी इंटरोगेटिविटी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज इफ आई से कि मैंने वीडियो बना लिया है, ये परफेक्ट है, और बड़े आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि इसकी जो वर्ब है वो खत्म हो गई हो। मैंने वीडियो नहीं बनाया है, अगर हम इसमें से नहीं हटा दें मैंने वीडियो बनाया है, तो ये वर्ब परफेक्ट है ना। नेगेटिविटी से इसका इसका टेंस चेंज नहीं होता ना, तो ये ऐसा होगा कि कहीं नेगेटिविटी लगा दिया कि तो वो परफेक्शन से चेंज होकर कुछ और में चला जाएगा। अगर आपका काम खत्म हो गया है सेंटेंस में, तो दिस शुड बी विल मेक यू अंडरस्टैंड कि आपका काम खत्म हो गया, वो चाहे नेगेटिविटी में है या इंटरोगेटिविटी में है, डजंट मैटर अलॉट। तो वर्ब को आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको कंटिन्यूस बता दिया, परफेक्ट बता दिया कि कंटिन्यूस बीइंग जब आपका सेंटेंस में जो वर्ब है अगर वो कंसिस्टेंसी इंडिकेट कर रही है, परफेक्शन बीइंग वो सेंटेंस जिसमें आपका काम खत्म हो गया है, और इंडेफिनिट का मतलब होता है जब आप सेंटेंस में रूटीन या हैबिट इंडिकेट करते हैं। हालांकि इंडेफिनिट के साथ कुछ और कॉम्प्लेक्सिटीज भी हैं, वन वी टॉक अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, तो उसमें लार्ज डिफरेंसेस हैं, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में कहीं ना कहीं हमें लगता है कि काम खत्म हुआ है, तो वो हम आपको कमिंग वीडियोज़ में बताएंगे। बट अगर हम अभी हम जनरल वे में इंडेफिनिट, कंटिन्यूस और परफेक्ट को समझने की कोशिश करें, तो इंडेफिनिट मीन्स द वर्ब जो सेंटेंस में रूटीन या हैबिट बता रही है वो इंडेफिनिट कैटेगरी में कैटेगराइज की जाएगी। अगर सेंटेंस की वर्ब आपको, अगर सेंटेंस की वर्ब काम का कंसिस्टेंट होना बता रही है, वो लगातार चल रहा है काम, तो वो कंटिन्यूटी बताएगी, और जब काम खत्म हो गया तो वो परफेक्शन बताएगी। एक सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं। एक लड़का दरवाजे पे खड़ा है, सेंटेंस है। इन तीन कैटेगरीज में किसी ना किसी एक कैटेगरी में से रूल जाएगा। अब ये इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है या परफेक्ट है, ये अल्टीमेटली डिपेंड्स अपॉन कि हम सेंटेंस की वर्ब को आइडेंटिफाई करें। वर्ब है सेंटेंस की खड़ा हुआ, अब खड़ा हुआ है तो काम खत्म हो गया नहीं, अभी भी खड़ा है। क्या हम उसका रूटीन और हैबिट बता रहे हैं? नो, मतलब अभी भी खड़ा खड़ा है, मतलब अभी कंटिन्यूस है। तो इस तरीके से सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई किया जाता है। हमें पास और इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। अगर हम ये भी बोलते हैं कि सेंटेंस के लास्ट में कभी कभी वो ता है, ती है, चुका है, चुकी है, एटसेट्रा, वो कहीं कहीं काम कर सकते हैं, बट वो हर जगह काम नहीं करेंगे। और कहाँ वो काम करते हैं, कहाँ वो काम नहीं करते, लेकिन ये जो आइडेंटिफिकेशन आज हमने आपको बताई, ये हर जगह काम करेगी। इंडिया ने 2 बार वर्ल्ड कप जीता है। अगर इस सेंटेंस के लास्ट को हम देखें, तो वो ताहे से फिनिश हो रहा है, लेकिन वो ताहे से फिनिश होना इज नॉट एवरीथिंग। ताहे से फिनिश होने का हम मीन्स व्हाट आई मीन टू से
कि जब आप ये बोलते हैं, अब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की बात ही नहीं करते, बट हम सेंटेंस को जस्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया ने 2 बार वर्ल्ड कप जीता है। अब अगर इंडिया ने 2 बार वर्ल्ड कप जीता है तो काम आपका रूटीन या हैबिट इंडिकेट कर रहा है, काम खत्म हो गया, या काम की कंसिस्टेंसी बताई जा रही है। तो नेचुरली आप सब इस कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि आपका जो काम है वो खत्म हो गया, और अगर वो काम खत्म हो गया तो वो परफेक्ट है। तो सेंटेंस के बेसिकली तीन कैटेगरीज, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, इनको अपना अलग अलग टाइमिंग में कैटेगराइज किया जाता है। लाइक इंडिया ने 2-3 बार वर्ल्ड कप जीता है, टाइमिंग प्रेजेंट है, सेंटेंस परफेक्ट है, और ये टेंसेस का बेसिक फॉर्मेट है। अब जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा, मैं इन्हीं टेंसेस को किस तरीके से हम इंग्लिश में फ्रेम करते हैं मैं आपको वो बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच।